ये देखो अभी कबूतरों को अंदर किया जा रहा। ये जो कबूतर बैठे हैं, ये देखो ये पांचवा कबूतर अभी बैठा। ये कहाँ पे बैठा देखो, एक पांचवा कबूतर भी बैठा जी। ये 3-11 पे कबूतर बैठा जी ऊपर। जो टैडी मादी पांडु भाई की जे बैठ गई, 4-25 पे पांडु भाई की 6वीं कबूतरी बैठी है जी। और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। बटेरी है ना, बटेरी कबूतरी पुरानी देखो। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब भाई? सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है? तो आज दोस्तों आप दोस्तों को बॉर्डर बेल्ट में आज टूर्नामेंट है, कीमती मेमोरेबल कप। तो बहुत अच्छी टूर्नामेंट होगी, जरूर अंत तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें 23 मेंबर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हम आपको अच्छे अच्छे शतों के और अच्छे अच्छे जो जिनके कबूतरों के रिजल्ट दे रहे होंगे उसका जरूर आपको उन शोतों का आपको व्यू दिखाएंगे। तो ज़रूर अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे आज टूर्नामेंट देखने को मिलेगी, तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। साहिल भाई के अभी पहला कबूतर फिर डाउन हुआ है, और ये 12:34 के ऊपर ये करीब शो हुए। अभी इसके साथ एक और कबूतर है, ये देखें। ये टैडी कबूतरी है, ये देखें जी। पहला कबूतर जैक मारे देखे कबूतर गुलाई कि दूसरा कबूतर बैठ रहा है जी साहिल भाई का, ये देखे। दूसरा कबूतर साहिल भाई का, और ये 7 बजे कबूतर उड़े थे। आज टूर्नामेंट उड़ी है बॉर्डर बॉर्डर की, और आज 23 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया आज की टूर्नामेंट में, और आपको इसका रिजल्ट भी आप पूरा दिखाएंगे शाम को। आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। वो साले कुत्ता बुआ था भाई इधर ट्रामे वाला बैठा है। ओ नहीं ये भाई आ गया। ये बार के ये डबल 2:59 मिनट पे पूरी
ये देखो अभी कबूतर को अंदर की है यार, ये जो कबूतर बैठे हैं, ये देखो ये पांचवा कबूतर अभी बैठा है, ये कहाँ पे बैठा है देखो, ये एक पांचवा कबूतर भी बैठा जी, ये 3-11 पे कबूतर बैठा जी ऊपर, लास्ट जो पांचवा बैठा है। तो ये अभी कबूतरों को नीचे किया जा रहा है, तो अभी कबूतर ऊपर, 2 कबूतर ऊपर आ गए हैं साल भाई के। तो वीडियो भी जरूर अंत तक देखिएगा, आपको जरूर आज का बताएंगे कौन विनर हुआ आज की टूर्नामेंट में, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये आगरे चक में भाई का चौथा कबूतर बैठा ना, चौथा कबूतर बैठा है पांडू भाई का, और बहुत अच्छी लैंडिंग कर रही है ये माली, ये देखें, ये टाइम भी 4:08 के करीब जो कबूतर ही आ रही नीचे, ये देखें, ये भाई की छत है पांडू भाई की आगरे चक। तो इस टाइम सभी भाई यहाँ पे मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये चौथा कबूतर बैठ रहा है पांडू भाई का, तो 3 कबूतर भी ऊपर है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, और एंड में हम आपको विनर भी बताएंगे कौन हुआ आज। और 23 मेंबर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज की टूर्नामेंट में। ये बैठ रही है जी कबूतरी पांडू भाई की, नहीं नहीं अभी नहीं बैठी, ये बैठ गई जी, 4-9 पे कबूतरी बैठी जी पांडू भाई की, ये देखें। ये यहाँ पे सभी भाई आज की टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से भाई आ जाए। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे सभी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इस बाजी को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए भाई पकड़ रहे हैं अभी मादी को, ये देखें, ये जो छत आपको मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड छत, जो पहले छत जो आपको बताई थी साहिल भाई की, वो भी उस्ताद सुदन ग्रुप के मेंबर हैं, जो उस्ताद सुदन ग्रुप के वो भी शागिर्द हैं साहिल भाई। और ये भी जो छत आपको बता रहा हूँ, ये भी उस्ताद सुदन ग्रुप की ये छत है। ये पांडू भाई का पांचवा कबूतर बैठ रहा है जी, टैडी कबूतर है ये भी, इससे पहले भी टैडी बैठी थी और ये भी टैडी कबूतरी आई है पांडू भाई की, और ये पांचवी कबूतरी है पांडू भाई की बैठ रही है, ये देखें। ये लैंडिंग करी है टैडी कबूतरी, पांचवी कबूतरी पांडू भाई की, ये उस्ताद अमित सुदन ग्रुप के ये भी मेंबर है। और ये देखें जी, बहुत अच्छी प्रवास कर रही है कबूतर। ये देखिए, ये पांडू भाई है जिनके आज बाजी में टूर्नामेंट में कबूतर उड़े हैं, ये पांडू भाई पूरा अपना जोश बता रहे हैं जी मैदान में कपड़े खोल के। ये वो सतमी कबूतर, इसका नाम इन्होंने मैदान फतेह रखा हुआ है, और उसका भी आपको जरूर व्यू दिखाएंगे। ये देखें, ये उस्ताद अमित सुदन जी के ग्रुप, ये देखें जी, बार बोरी बैंडी।
जेवी टैडी मारदी है जेवी टैडी मारदी बैटरी है जी। ये देखें जी क्या लैंडिंग है समाधि की। ये देखें यार जो टैडी मादी पांडू भाई की जी बैठ गई 4:25 पे पांडू भाई की 6वीं कबूतरी बैठी है जी। और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा जी। दोस्तों देखिए ये जो मादी अभी बैठी हैं दो मादियाँ, इन दोनों मादी आप देखें टैडी मादी ये देखें ये करे शौक आप दोस्त। ये देखें ये टैडी कबूतर जो आज उड़े हैं बाजी में जिनके आप देख सकते हैं जी। ये यौनसरी टैडी और ये जे करें जी सतवीं आ रही है एक लबा पर जो पांचवीं को जो छेवीं कबूतरी बैठी है जो ये टैडी माती बैठी है। तो दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ शाम के और यहाँ पे बाइक के बहुत ही अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं जी। तीन कबूतर बैठ गए हैं तीसरा कबूतर का 4 बज गए और कुछ मिनट पे बैठा जो बाइक का 4:54 पे कबूतर बैठा है तीसरा और ये चौथा कबूतर बैठा है ये देखो। और इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा दो कबूतर भी आए हैं सामने ये देखें जी इसके ऊपर ये देखें और ये देखें जी 6वां कबूतर ये आपको शो हो रहा होगा जो बॉर्डर के एरिया में है और बहुत अच्छी बाजी आज उड़ रही है हमारे आरसपुरा बॉर्डर में। जो ऑर्गेनाइजर हैं जशपाल जी बहुत ही अच्छे उन्होंने टूर्नामेंट करवाई है साथ में अशोक कुमार जी जिन्होंने इनके साथ ही ऑर्गेनाइज़र हैं ये दोनों ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बाजी करवाई है आज आरसपुरा में और बहुत ही अच्छे अच्छे कबूतर उड़े हैं सभी भाइयों के बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं जी। ये देखें ये दो कबूतर जी हैं और ये कबूतरी बैठ रही है ये देखें जय रमन भाई हैं शाम के ये देखें जी ये देखें जी जी 5 बजे ये भाई की कबूतरी बैठी है ये देखिए जी सभी भाई यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बाजी को रमन भाई की बाजी देखने आए हैं जो सभी भाई शाम के में जब बॉर्डर बिल्कुल 0 लाइन पे है बॉर्डर लाइन पे। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आप दोस्तों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं जो भाई के 5वां और 6वां कबूतर भाई का आ रहा है ये देखिए ये रमन भाई का 5वां और 6वां कबूतर बैठ रहे हैं। टाइम इस टाइम अगर मैं बता दूं 5:04 का टाइम चल रहा है शाम का और बहुत ही अच्छी है आज प्रवास किए हैं कबूतरों ने सब भाइयों के अच्छे अच्छे कबूतर उड़े हैं ये देखें कितनी अच्छी प्रवास कर रहे हैं कबूतर। पाँच 4 पे कबूतर बैठे जी एक 5-4 पे और एक 5-5 पे बैठा जो 5-5 पे बैठा वो बटेरा कबूतर बैठा है। रमन जिन्होंने आज कबूतर उड़ाए हैं तो इन्हीं के कबूतर आज उड़ रहे हैं
बटेरी है ना, बटेरी कबूतरी ये बाई का सतमा कबूतर बैठा है 5:12 पे। ये देखें खुशी की लहर, और ये देखें जी कबूतर। और आप दोस्तों ने जरूर बताना है, और मैं आप दोस्तों इनके बता दूं कितने टाइम बना है इनके कबूतरों का। ये शत मेरे हिसाब से विनर हो गई है। ये इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, ये अशोक कुमार जी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर हैं। ये तीनों, ये श्याम जी हैं और ये जशपाल जी हैं, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जो करवाया, और 23 मेंबर पार्टिसिपेट थे आज की टूर्नामेंट में, और बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट करवाई है, और अच्छे अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं आज की टूर्नामेंट में। तो आपको बता दें कि फर्स्ट पोजीशन में जो आए हैं उनके कितने टाइम बने हैं उसका भी आपको पूरा बताएंगे। ये देख सकते हैं रमन फतेहपुर, इस बाइक के जो कबूतरों के टाइम है ये देख लें लास्ट में, ये बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं। ये देखें टाइम देख सकते हैं इनका, और ये 63:41 बने इनके। तो ये छत मेरे हिसाब से पहले नंबर पे आई है। तो आपको अंत में बताते हैं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन में कौन आया, वो भी आपको बताएंगे। ये पांडू भाई हैं जिनका आपको मैंने छत का व्यू दिखाया था, तो उनका ये सेकंड पोजीशन आई है जी, इनका आप देख सकते हैं इनके 7 कबूतरों के। ये देखें, तो ये देखें जी उनका लास्ट कबूतर जो 5:55 पे उनकी सतमी कबूतरी बैठी। तो ये देखें जी लास्ट 5:59 बने हैं, ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर का भी आपको बताते हैं, और ये आपको मैं बता दूं कालू रंगपुर से इनके आए हैं जी, जो तीसरे नंबर पे आए हैं जी। इनके स्कोर देख ले जो आज के जो कबूतरों ने बनाए हैं, 46:45 जो तीसरे नंबर पे आए हैं। और चौथे नंबर का भी आपको बताते हैं, जय साहिल भाई फरंगी जिनके छत का आपको मैंने लाइव बताया था, उनका एक कबूतर शॉट हुआ लास्ट वाला, और उनके ये घंटे बने हैं 43:23। ये देखें ये तो चौथे नंबर पे आए हैं। इन्होंने पहले 4 को ही नाम रखा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये चौथे नंबर पे हैं, और बहुत ही अच्छे स्कोर इनके भी बने हैं। तो कैसे लगी दोस्तों आज की टूर्नामेंट? तो ऐसे ही आप दोस्तों को हम व्यू दिखाते रहेंगे, और हमारे साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप दोस्तों का चैनल है, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो ऐसे ही आप दोस्तों को बाजी का व्यू दिखाते रहेंगे। ये जो बाजी हुई है वो आरसपुरा की आज बाजी हुई है, आरसपुरा जितने भी बॉर्डर है इनकी साइड, तो बहुत अच्छी बाजी है आप दोस्तों को। आज शायद आपको मज़ा आया होगा आज की टूर्नामेंट को देख के, और ऐसे ही आपको टूर्नामेंट का आपको व्यू दिखाते रहेंगे। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।